अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना अजवल। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मेरी वीडियो को देखते रहें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। हाँ जी, थंबनेल से तो आपको पता चल गया है 15 एनिवर्सरी है। ये किसकी है ये आगे चल के हम आपको दिखाते हैं और आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो कपकेक्स तो नीचे मैंने ओवन में रख दी हुई हैं और अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्पून के पीछे वाले हिस्से से कलर निकाल रही हूँ। मुझे ब्लू कलर के कपकेक चाहिए। तो ये इसकी आइसिंग है और ये थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसको इस तरह जोर लगा लगा के ऊपर नीचे कर करके ना इसको सॉफ्ट करना है, जैसा कि मैं सॉफ्ट कर रही हूँ। ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी होते हैं, मगर मैं ग्लव्स नहीं पहनती क्योंकि मैंने ग्लव्स का ऑर्डर किया था, तो मेरे ग्लव्स आ गए हैं बड़े। तो ये देखें जी, टॉपर हो गई है रेडी। इसके ऊपर भी हमने लिख दिया है 15, और आप लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे होगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये लो जी, अब आपसे पढ़ा चाह रहा होगा कि क्या लिखा है। मैंने कहा कैमरे में भी दिखा दूँ ताकि सब्र नहीं हो रहा। सब्र नाम की तो चीज़ है ही नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ। अब आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि हमारे से तो पढ़ा ही नहीं गया, इतना छोटा लिखा है। तो तसल्ली रखें, मेरे साथ रहें और मेरी वीडियो को वॉच करते रहें, और इंशाल्लाह सून ही आपको पता चल जाएगा ये मैं क्या लिख रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ 15 एनिवर्सरी के कपकेक्स, जैसा कि थंबनेल में भी है। अब मैं इसको 15 को भी लिख रही हूँ। तो मेरा दिल था कि ये कुछ ऐसे हों कि रेड और ब्लू में हो, मगर रेड और ब्लू में नहीं हो सकते थे, अच्छे नहीं लगने थे, तो इसलिए इसको मैंने ब्लू में ही बनाया है। तो ये ऊपर मेरे पास स्टेम्प्स हैं जो इससे मैं 15 लिख रही हूँ। मेहनत होती है हर चीज़ में, कहते हैं ना, जितना लंदन खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा इधर मेहनत की ज़रूरत है। तो ऐसा ही है, जितना खूबसूरत यूके है उसी तरह अच्छी सी मेहनत भी करनी पड़ती है इस यूके में रहने के लिए। जो रहते हैं वो तो जानते ही होंगे, और जो नहीं रहते वो कहते होंगे ये क्या बात कर रही है। तो ऐसा ही है, हम जो टिकट करवाते हैं और आते ही हैं ना, उसके पीछे ये हमारी मेहनतें होती हैं जो हम करते हैं। तो ये देखें जी, टॉपर हो गए हैं प्यारे से रेडी। तो साथ कपकेक्स भी नीचे बन रही हैं। कपकेक्स के ऊपर आइसिंग कभी भी वॉर्म कपकेक्स पे नहीं लगाते, हमेशा उसको ठंडा करें और फिर उसके ऊपर क्रीम, बटर क्रीम जो भी लगानी है। तो ये मैं आपको बताऊँ कि ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी हैं। मेरे नेल्स के अंदर, मेरे हाथों के अंदर ब्लू कलर बहुत ज़्यादा चला गया था, मगर मेरे ग्लव्स जो हैं वो काफ़ी बड़े आ गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो अब मैंने ऑर्डर किए हुई हैं, तो आने वाली नई वीडियोस में आप देखोगे कि मैंने ग्लव्स भी पहने हुई हैं। तो टॉपर देख रहे थे कम हो गए हैं क्योंकि मुझे ये 24 टॉपर्स बनाने थे। तो यह मैं दोबारा से थोड़े से टॉपर बना रही हूँ क्योंकि 24 टॉपर्स अभी रेडी नहीं हुए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का, और पता चलता है कि वीडियो सही तरह देखी है, स्किप नहीं की। और जो लिखते हैं ना कि हमने स्किप नहीं की, तो उसका और ज़्यादा मज़ा आ जाता है कि बंदा मोटिवेट होता है, कहता है कि चलो जी, अच्छा है, पसंद आ रही है, मज़ीद वीडियो बनाओ। आपने देखा होगा, अल्लाह नज़र से बचाए, आने वाली वीडियोस या जो पिछली गुजरी हैं मैं बड़ी बेकायदगी से लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर कहते हैं लगता है आप सीरियस नहीं है। मैं पहले सीरियस नहीं थी, वैसे मैं सीरियस हो चुकी हुई हूँ। तो ये मैं इसकी बटर क्रीम रेडी कर रही हूँ, आपको बताती चलो। जितना आप बटर डालोगे ना, डबल आपने आइसिंग शुगर डालनी है, फिर आपके कपकेक्स की जो कहती है ना जो टेस्ट होता है वो सही मज़े वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शुगर भी नहीं होगी। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 500 ग्राम अगर आपका क्या कहते हैं बटर है 5000 ग्राम, तो आप उसमें 1000 ग्राम शुगर कर लें। मगर वैसे मैं इतनी शुगर नहीं करती, मगर वो कर लें तो ज़्यादा अच्छा मुझे होता है कि इतना ज़्यादा भी स्वीट खा के क्या करना है। तो ये जी, इसके लिए बटर रेडी हो रहा है। तो आज का दिन वैसे ही बहुत अच्छा दिन है क्योंकि जो मेरे कपकेक्स बन रही हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशल कपकेक्स हैं,
और मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरे घर के लिए कपकेक्स नहीं है, मेरी एनिवर्सरी 15 नहीं हुई और ना ही किसी की फैमिली में एनिवर्सरी 15 हुई है। जी हाँ, ये टेस्को की हुई है एनिवर्सरी 15, और मेरा ख्याल से ये 2009 में टेस्को बना था हमारे हेवर हिल वाला। तो पहले यहाँ पे स्टेशन होता था, उसकी जगह पे अब इन्होंने ये बना दिया है। ये देखें जी मेरे प्यारे प्यारे, मुझे बहुत कलर नाइस लगा है। तो ये मेरे कपकेक्स रेडी हो गई हैं, सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मुझे टेस्को के जो एरिया मैनेजर है उसने ऑर्डर दिया है, और ये कोई कम बात नहीं है। अब अगला दिन है और मैं पहुँच चुकी हूँ टेस्को। तो ये यहाँ पे डेकोरेशन से लगी हुई है, तो टेबल पे चीज़ें रख रही हैं। ये हमारी बहुत अच्छी कुलीक है, तो ये चीज़ें लगा रही थी, और ये उन स्टाफ के लिए था जिनको 10 ईयर्स हो चुके हुए थे, वो इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। और मैं इस पार्टी पे क्यों गई, क्योंकि मैंने मेरे कपकेक्स थे और मैंने कहा था मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं आ गई। इसमें एक केक नहीं है, बहुत खूबसूरत मेरी कुलीक केक बना के लेके आई थी, मेरे से भी ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छी वो बेकर है। तो ये देखिए जी, ये मेरे थे क्या कहते हैं टेस्को का टेबल, जो के सेलिब्रेट कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। अब आ गई थी लंदन से फिश, जो लंदन वाले हैं और जिनको खाने का शौक है उनको तो पता होएगा स्लीम फिश। तो ये बहुत ही मज़े की फिश है, हस्बैंड गए हुए थे किसी काम से लंदन, तो वो आते हुए फिश ले आए, तो वैसे भी थकी भी हुई थी, तो साथ नान भी आ गए, फिश भी आ गई, तो बहुत मज़ा आया। तो यहाँ की फिश बहुत फेमस है, स्लीम फिश का नाम है, जिन्होंने नहीं खाई वो ज़रूर खाएं, और जिन्होंने खाई है उनको तो पता होगा। तो ये देखें इसके अंदर सारी ये चटनी है, तो ये मैं अब एक में डाल देती हूँ ताकि टेबल पे इस तरह छोटे छोटे कंटेनर को रखना मुश्किल हो जाता है, बच्चे छोटे हैं। तो ये मेरी सारी सॉस इसके अंदर चली गई है, और इसके अंदर थी योगर्ट।